वेलकम टू संजीव कपूर किचन। आप सबका मेरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ अब स्पाइसी बनाते हैं और ये स्पाइसी बनाएंगे थोड़ी हरी और लाल मिर्च के साथ में। तो इसके लिए फ्रेश चिली, लाल वाली मिर्च एकदम फ्रेश और हरी भी ले लेते हैं। और इससे क्या करना है देखिए मैं आपको बताता हूँ। खाना जब बनाएं तो थोड़ी सी प्लानिंग कर लें, इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करके रखें और उसके साथ साथ सारे काम जो है इकट्ठे करना शुरू करें, क्योंकि खाना बनाना तभी बढ़िया होता है, मज़ेदार होता है जब आप प्लानिंग के साथ में करें। और अगर प्लान नहीं करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो इसमें लाल और हरी मिर्च फ्रेश वाली ली है, ये जो रेसिपी है थोड़ी स्पाइसी बनाएंगे और इसके साथ साथ गार्लिक ये ले लेते हैं। तीनों चीज़ों को थोड़ा क्रश कर लेते हैं। अच्छा, एक टिप दे देता हूँ आपको मैं, अगर आपने इसे क्रश करना हो थोड़ी सी आसानी हो जाए तो नमक इसमें डाल कर करें, थोड़ा सा नमक। ये आपको बता रहा हूँ, आप चाहें तो उसके बिना भी कर सकते हैं। तो ये जो है तो ये क्रश कर लिया हमने और लुक एट दिस, खुशबू बड़ी अच्छी है। अब मैं ले लेता हूँ ये पैन में तेल और ये तेल इसके अंदर डालना है। ये बना रहे हैं फ्राइड राइस, स्पाइसी वाला। ये जो बेसिल लीव्स हैं, बड़ी अच्छी खुशबू इसकी। और इसका जो इस्तेमाल है इटालियन खाने में काफ़ी होता है, थाई खाने के अंदर काफ़ी होता है। तो अब इसे हम बनाएंगे अपने तरीके से और ज़रा देख लेता हूँ कि तेल का क्या हाल है। लवली, मुझे ये चाहिए कीमा भी, वो भी ले लिया मैंने। और ये जो लीव्स हैं इसे गरम तेल में फ्राई कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली इसका फ्लेवर भी ले रहा हूँ तेल के अंदर और उसके साथ साथ ये जो लीव्स हैं इसे हम गार्निश में इस्तेमाल करेंगे, बेसिल लीव्स। और अब ये जो मेरे पास है गार्लिक, ग्रीन एंड रेड चिलीज, ये ले लेते हैं और इसको डालते हैं इसके अंदर। ये वाह, मजा आएगा। और इमीडिएटली इसके अंदर हम डाल देते हैं ये चिकन का कीमा, चिकन मिंस, ये इसके अंदर। और चिकन मिंस डालकर इसे हमने पकाना है। अगर आप इसके अंदर चिकन नहीं डालना चाहते तो आप एग के साथ भी इसे बना सकते हैं, और अगर अंडा भी नहीं खाते हैं तो फिर आप वेजिटेबल्स ग्रेट करके, कॉलीफ्लावर, कैरेट ग्रेट करके, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चाहे तो थोड़ी उसके अंदर कैप्सिकम भी मिक्स करके डाल सकते हैं। तो ये चिकन इसे हम पका लेते हैं चिलीज़ के साथ में। अब देखिए ये जो है इसका मॉइस्चर इसमें काफ़ी ज़्यादा अभी है, तो ये मॉइस्चर इसे सुखाना नहीं है हमें। ये लेकर इसके साथ इसमें हम डाल देते हैं चावल, और चावल जो है अपनी पसंद का चावल लें। खैर, ये जो रेसिपी है घर में जब भी मैं बनाता हूँ बच्चों को बहुत पसंद आती है, और वैसे भी उनको चिकन के साथ में राइस का जो कॉम्बिनेशन है बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, ये मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर फ़िश सॉस, और फ़िश सॉस जब भी आप डालें उसका इस्तेमाल करें तो ध्यान रखें कि इसके अंदर नमक बहुत ज़्यादा होता है। तो आप जो नमक है जब डालें तो ध्यान से डालें कि नमक उसमें बहुत ज़्यादा ना हो। तो ये नमक, और उसके साथ साथ इसमें थोड़ी सी चीनी भी, ये लीजिए नमक और चीनी। और अब इसे मिक्स कर देते हैं, और ये देखिए अब इसके अंदर हरी मिर्च और लाल मिर्च का कॉम्बिनेशन। और ये मैं यहाँ पर बासमती राइस से बना रहा हूँ, और इसे सर्व करने के लिए ये मेरे पास ये एक काम और करना है कि मेरे पास है ये अंडा, एग, और एग को काट लेते हैं हम, उबला हुआ अंडा, और उसे
तीन हिस्सों में काटना है। तो नाइफ को थोड़ा एंगल पे, ये ऐसे नहीं, इस तरह से, और ये काटें एक और दूसरी तरफ से ऐसे। तो ये तीन हिस्सों में कट गया। और अब ये जो है अंडा इसके ऊपर, लेकिन उसके बाद ये जो बेजिल लीव्स हैं, क्रिस्प बेजिल लीव्स, ये इसके ऊपर। दिखने में बढ़िया, खाने में ऐसा जो बार बार खाएंगे। और इसके बाद इस तरह से सर्व करके आप अपने रेस्टोरेंट में भी बना सकते हैं। जी हाँ, अगर रेस्टोरेंट खोला नहीं है तो ये जो मेरी फेवरेट रेसिपीज हैं वो सारी इकट्ठी कर ले जाएं तो रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा बन सकता है, आइडिया अच्छा है। स्पाइसी चिकन फ्राइड राइस विद क्रिस्पी बेसिल लीव्स बनाने के लिए आपको चाहिए 200 ग्राम चिकन कीमा, 2.5 कप पके हुए चावल, आधा कप ताजे बेसिल के पत्ते, 3 ताजी लाल मिर्च, 2 हरी मिर्चें, 7 से 8 लहसुन की कलियां, नमक स्वाद अनुसार, 3 बड़े चम्मच तेल, 1 छोटा चम्मच फिश सॉस, 1 छोटा चम्मच चीनी और 1 उबला हुआ अंडा। स्पाइसी चिकन फ्राइड राइस विद क्रिस्पी बेसिल लीव्स बनाने के लिए 2 लाल और 1 हरी मिर्च लहसुन और नमक के साथ कूट ले। एक नॉनस्टिक पैन में तेल गरम करें, उसमें बेसिल कुरकुरा होने तक तले और अलग रख ले। अब पैन में जो तेल बाकी बचा है उसमें मिर्च और लहसुन की पेस्ट भून ले। चिकन कीमा भी इसी में 3-4 मिनट तक भूने और उसके बाद उसमें चावल मिला ले। फिर इसमें फिश सॉस, नमक और चीनी मिलाए और 1 मिनट तक भून ले। अब अंडे को लंबे चीरों में काट ले। अब इस फ्राइड राइस को अंडे की स्लाइस और क्रिस्पी बेसिल लीव से सजा कर सर्व करें।